गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप साहब। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? अपवर्तनांक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, अपवर्तनांक होता क्या है, ये समझने से पहले हम लोगों को पहले समझना होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। इसके लिए हम लोगों ने लास्ट लेक्चर पर एक वीडियो देखा था। उस वीडियो को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग जा कर के देख सकते हैं। रिफ्रैक्शन में होता क्या था? रिफ्रैक्शन में लाइट रेज एक मीडियम, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती थी तो अपने मार्ग से, अपने पाथ से विचलित हो जाती थी, डाइवर्ट हो जाती थी, बेंड्स हो जाती थी। रिफ्रैक्शन में क्या होता था? लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता था तो वो अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाता था, बेंड्स हो जाता था। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? वेंडिंग कैपेसिटी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज ए वेंडिंग कैपेसिटी ऑफ लाइट रेज। वेंडिंग कैपेसिटी ऑफ लाइट रेज, मोर कैपेसिटी टू बेंड द लाइट रेज, मोर विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। राइट डाउन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम कैन बी डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ वेंडिंग ए रे ऑफ लाइट, कैपेसिटी ऑफ वेंडिंग ए रे ऑफ लाइट, मोर द वेंडिंग कैपेसिटी, मोर द वेंडिंग कैपेसिटी, मोर विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इट इज डिनोटेड बाई एन आर म्यू, इट इज डिनोटेड बाई एन आर म्यू, और 1n2 means refractive index of second medium with respect to first medium. It is also defined as the ratio of, that is the formula, n1n2 is equal to v1 upon v2. 1n2 refractive index of second medium with respect to first medium. What is v1? v1 is the speed of light in the first medium. V1 is the speed of light in the first medium. And what is V2? V2 is the speed of light in the second medium. So speed of light in the first medium divided by speed of light in the second medium is called refractive index of second medium with respect to first medium. Clear? Means it is also defined as it is the ratio of speed of light in the first medium to the speed of light in the second medium is called refractive index of second medium with respect to first medium. The ratio of speed of light in the first medium to the speed of light in the second medium is called refractive index of second medium with respect to first medium. Clear? That is the refractive index. Refractive index is defined as the ratio of speed of light in first medium to the speed of light in the second medium. Means 1n2 is equal to v1 upon v2, or 1μ2 is equal to v1 upon v2. What is v1? v1 is the speed of light in the first medium. What is v2? v2 is the speed of light in the second medium. Absolute refractive index. What is absolute refractive index? If first medium is vacuum, then this refractive index becomes absolute refractive index. मीन्स अगर पहला माध्यम वैक्यूम है, अगर पहला माध्यम निर्वात है, तो यही जो अपवर्तनांक है, यही जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, वो हमारा क्या बन जाता है? एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। और एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को हम लोग सिंपल यन से डिनोट करते हैं। और फार्मूला क्या हो जाएगा? हम जानते हैं कि वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट को सी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? सी से डिनोट करते हैं, सी डिवाइडेड बाई वी, that is the absolute reflective index. N is equal to C by V, or mu is equal to C by V. What is C? C is the speed of light in vacuum, and V is the speed of light in medium. V is the speed of light in the medium. It is defined as, it is the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in medium. That is called absolute reflective index. It is the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in medium is called absolute reflective index. Clear? Note down कीजिए, फिर हम लोग देखते हैं critical angle. क्रिटिकल एंगल, व्हाट इज क्रिटिकल एंगल? क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण को समझने के लिए हम लोग सबसे रिफ्रैक्शन का डायग्राम देखते हैं। रिफ्रैक्शन का डायग्राम क्या था?
ये एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस था, ऊपर मान लीजिए कि विरल माध्यम नहीं सघन माध्यम है, डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम और नीचे रेयर मीडियम, नीचे जब ऊपर डेंसर मीडियम नीचे रेयर मीडियम, हम लोग जानते हैं जब लाइट रेज डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तब क्या होता है, दैट इज द इंसिडेंट पॉइंट एंड इट इज़ द नॉर्मल। लाइट रेज को ऐसे सीधा जाना चाहिए, लेकिन जब लाइट रेज डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज क्या होती है, मूव कर जाती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये इस तरीके से चली जाती है। कब? जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो ये इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल, और इस केस में जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जाती है तो रिफ्रैक्टेड एंगल अधिक होता है और इंसिडेंट एंगल कम होता है। अब जरा सा यहाँ से सोचिए, जब यहाँ पर लाइट रेज आई आई एंगल पर तब ये यहाँ पर चली गई, क्या हो गया, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई। जब लाइट रेज का इंसिडेंट एंगल को हम और बढ़ा देंगे, जब इंसिडेंट एंगल को और बढ़ा देंगे तो ये यहाँ चला जाएगा, बहुत सिंपल सा है। अब जब इंसिडेंट एंगल को हम और बढ़ा देंगे, जब इंसिडेंट एंगल को हम इतना कर देंगे तब ये लाइट रेज एक कंडीशन आएगी, जब लाइट रेज इस तरीके से चली जाएगी, इसी पर चली जाएगी, तब ये हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल आर का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, और इस एंगल को हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल एंगल सी, इस पूरे एंगल को हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल एंगल। मीन्स क्रिटिकल एंगल क्या है, क्रिटिकल एंगल क्या डिफाइन कर रहा है, मतलब ये क्रिटिकल एंगल एक इंसिडेंट एंगल है, क्रिटिकल एंगल क्या है, एक इंसिडेंट एंगल है, और वो इंसिडेंट एंगल है जिसके लिए आर की वैल्यू 90 डिग्री है, मीन्स रिफ्रैक्टेड एंगल की वैल्यू 90 डिग्री है। तो वो इंसिडेंट एंगल जिसके लिए रिफ्रैक्टेड एंगल की वैल्यू 90 डिग्री होती है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। अगर हम क्रिटिकल एंगल का डायग्राम बनाएं तब क्या बनेगा, ये एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गया, ऊपर डेंसर मीडियम, हमेशा जो क्रिटिकल एंगल बनता है वो डेंसर मीडियम में ही बनता है। हम क्रिटिकल एंगल का डायग्राम बनाएंगे तो ऊपर हमेशा डेंसर मीडियम और नीचे रेयर मीडियम ही लेंगे, और मान लीजिए कि ये लाइट रेज इनकमिंग लाइट रेज हो गई, यहाँ से नॉर्मल ड्रा कर दीजिए, ये नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल लाइट रेज, अब क्या होगा, ये हो जाएगा इंसिडेंट एंगल आई, और अगर ये इंसिडेंट एंगल आई की वैल्यू सी के बराबर हो गई, अगर ये इंसिडेंट एंगल आई की वैल्यू क्या होगी, सी के बराबर हो गई, तो ये लाइट रेज यहाँ ना जा करके बल्कि ऐसे ही चली जाएगी, ये लाइट रेज चली जाएगी, और यहाँ पर जो रिफ्रैक्टेड एंगल आर की वैल्यू होगी वो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री। ये हमारा क्रिटिकल एंगल सी का डायग्राम हो गया। क्रिटिकल एंगल क्या होगा, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम फॉर व्हिच द रिफ्रैक्टेड एंगल इज 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड, दिस इंसिडेंट एंगल इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो, द इंसिडेंट एंगल इन द डेंसर मीडियम, द इंसिडेंट एंगल इन द डेंसर मीडियम फॉर व्हिच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, दैट इज नोन एज क्रिटिकल एंगल, इट इज डिनोटेड बाई सी, क्लियर, इट इज डिनोटेड बाई सी। इस यहाँ पर अगर हम स्नेल्स लॉ लगाएं, यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, और इसको रिमूव करके मैं यहीं पर यहाँ पर क्रिटिकल वो स्नेल्स लॉ लगा रहा हूँ, स्नेल्स लॉ लगा रहा हूँ, ध्यान समझिए कि क्रिटिकल एंगल का फार्मूला क्या आता है। हम लोग जानते हैं स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग कि साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, और यहाँ पर साइन आई, आई की वैल्यू किसके बराबर है, सी के बराबर, और साइन आर, आर की वैल्यू किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल, इज इक्वल टू, रेयर मीडियम को हम फर्स्ट मीडियम लेते हैं, डेंसर मीडियम को हम सेकेंड मीडियम लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें सेकेंड मीडियम का लेना है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो यहाँ पर हम अगर चाहें तो लाइट रेज सेकेंड मीडियम से, सेकेंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में जा रही है, मतलब इसको कर सकते हैं 2n1, मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम।
यहाँ पर साइन 90 की वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या हो जाती है, 1। तो ऊपर साइन सी अपान 1 इजकल टू 2n1 अपान 1, रिवर्स कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, 1 अपान साइन सी इजकल टू 1 अपान 2n1, और 1 अपान में 2n1 है, अगर इसे ऊपर ले जाएंगे तो 1n2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 अपान साइन सी। ये भी फार्मूला आ गया, या 1n2 को हम n कह देंगे और 1 अपान साइन सी क्या हो जाता है, cos x c हो जाता है, यहाँ से ये क्या हो जाता है, cos x c, n इजकल टू cos x c। व्हाट इज n, n इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। व्हाट इज n, n इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, cos x c, व्हाट इज c, c इज द क्रिटिकल एंगल, क्लियर, c क्या है, क्रिटिकल एंगल है, ये हमारा क्रिटिकल एंगल का फार्मूला आ जाएगा, n इजकल टू cos x c, n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, c क्रिटिकल एंगल है, क्लियर। अब यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अभी अभी हम लोग डायग्राम से देखें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, हम लोग यहाँ से डायग्राम से देखते हैं। डायग्राम अभी हमने देखा कि जब लाइट रेज की यहाँ पर इंसिडेंस एंगल की वैल्यू सी से कम थी, जब इंसिडेंस एंगल आई की वैल्यू सी से कम थी तो लाइट रेज सेकेंड मीडियम में आ रही थी, इस मीडियम में आ रही थी, लेकिन जब इस इंसिडेंस की वैल्यू, इंसिडेंट एंगल की वैल्यू क्रिटिकल एंगल सी के इक्वल हो गई तो ये लाइट रेज इस तरीके से चली गई। अगर यहाँ पर इंसिडेंट एंगल की वैल्यू अगर क्रिटिकल एंगल से हम और बढ़ा दें, अगर एक्सीड कर दें, इंसिडेंट एंगल एक्सीड्स द क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल से अगर बड़ा हो जाएगा तो प्रकाश की किरण क्या होगा, अब सेकेंड मीडियम में तो आएगी नहीं बल्कि फर्स्ट मीडियम में ही चली जाएगी, तो इसी को हम क्या कहेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका डायग्राम क्या होता है हम लोग यहाँ पर समझते हैं, सेकंड मीडियम का तो काम ही नहीं है यहाँ, तो इसलिए नीचे बना रहे हैं हम। यहाँ पर ऊपर क्या है, डेंसर मीडियम, और नीचे क्या है, रेयर मीडियम। यहाँ पर ये लाइट रेज इस तरीके से आएगी, ये लाइट रेज आई, यहाँ पर क्या बनेगा, एक नॉर्मल बनेगा, यहाँ पर नॉर्मल बना दीजिए, ये इंसिडेंस एंगल होगा, और ये कंसीडर कीजिए कि जो इंसिडेंस एंगल है, जब इंसिडेंस की एंगल की वैल्यू सी के इक्वल है तो ऐसे जा रही है, लेकिन जब इंसिडेंस एंगल की वैल्यू आई इज ग्रेटर देन सी हो जाएगा, जब आई की वैल्यू ग्रेटर देन सी हो जाएगी तो लाइट रेज सेकेंड मीडियम में ना जा करके बल्कि फर्स्ट मीडियम में ही वापस लौट आएगी, बल्कि फर्स्ट मीडियम में ही क्या होगी, वापस लौट आएगी, और इसी घटना को हम क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मीन्स जब इंसिडेंस एंगल की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से एक्सीड कर जाती है, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है तो लाइट रेज सेकेंड मीडियम में नहीं जाती, दूसरे माध्यम में नहीं जाती बल्कि पहले ही माध्यम में वापस लौट आती है, इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लेकिन याद रहे लाइट रेज किस मीडियम में आनी चाहिए, डेंसर मीडियम में आना चाहिए, जो ये आई की वैल्यू है, इंसिडेंस एंगल आई की वैल्यू है वो सी से ग्रेटर होना चाहिए। चलिए इसकी डिफिनेशन भी देख लेते हैं, व्हेन द वैल्यू ऑफ इंसिडेंस एंगल एक्सीड्स द क्रिटिकल एंगल, व्हेन द वैल्यू ऑफ इंसिडेंस एंगल एक्सीड्स द क्रिटिकल एंगल, द रे ऑफ लाइट डज नॉट गो टू द अनदर मीडियम, द रे ऑफ लाइट डज नॉट गो टू द अनदर मीडियम, इट रिटर्न्स इन द सेम मीडियम, इट रिटर्न्स इन द सेम मीडियम, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्लियर। टोटल अब यहाँ से फिर से हम देख लेते हैं, क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण क्या होता है, द एंगल, द इंसिडेंस एंगल इन द डेंसर मीडियम फॉर विच द रिफ्रैक्टेड एंगल इज 90 डिग्री, दैट इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। मीन्स जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर हो जाता है, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर हो जाता है तो अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, और इसी एंगल को, इसी आपतन कोण को हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। क्रांतिक कोण का फार्मूला क्या होगा, n इक्वल टू cos x c, व्हाट इज n, n इज द अपवर्तनांक, c इज द क्रांतिक कोण, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल। व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब इंसिडेंस एंगल की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से एक्सीड्स कर जाती है, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है तो लाइट रेज सेकंड मीडियम में नहीं जाती, लाइट रेज दूसरे माध्यम में नहीं जाती बल्कि पहले ही माध्यम में वापस लौट आती है, इसी घटना को हम क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्लियर। आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग एक टॉपिक और देखते हैं, एक्चुअल डेप्थ एंड अपीयरेंट डेप्थ। एक्चुअल डेप्थ एंड अपीयरेंट डेप्थ होता क्या है,
कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जिस वस्तु को जितनी गहराई में देख रहे हैं वास्तव में उतनी गहराई पर नहीं होता, उससे ज़्यादा गहराई में होता है। जनरली हम लोग देख सकते हैं कि जैसे अगर कोई ग्लास है, उस ग्लास के अंदर पेंसिल डाल दिया जाए, ग्लास है और उस ग्लास के अंदर ग्लास में पानी भरा हुआ है और उसके अंदर पेंसिल डाल दीजिए, तो पेंसिल हमें मुड़ी हुई नज़र आती है। ऐसा लगता है कि जहाँ से पानी का तल है वहाँ से पेंसिल मुड़ गई है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम ऐसा रिफ्रैक्शन के कारण होता है, क्योंकि लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, और जब लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो हम लोग जानते हैं वो बेंड्स कर जाती है, उसका पाथ जो है वो बेंड्स कर जाता है। इसीलिए ये होता है कि जो वास्तविक गहराई है, वो नज़र नहीं आती है, नज़र हमें कोई और गहराई आती है और वास्तव में कोई गहराई और होती है। या कभी कभी हम तालाब में देखते हैं, अगर तालाब का पानी बिल्कुल स्वच्छ है, उसकी हम तालाब की तली को देखें तो तालाब की तली हमें बहुत ऊपर नज़र आती है, जबकि वास्तव में अगर हम तालाब के अंदर जाएं तो वो काफ़ी गहराई में होता है। मीन्स क्या होता है, अपीयरेंट डेप्थ जो होती है वो कम नज़र आती है, जबकि जो एक्चुअल डेप्थ होती है वो ज़्यादा होती है। तो इनके बीच कभी कभी हमें न्यूमेरिकल्स लगाने के लिए आ जाता है, और वो न्यूमेरिकल्स, सभी के न्यूमेरिकल्स सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूले पर लग जाते हैं, और वो फार्मूला आपके सामने गिवन है। बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल्स आता है और एक नंबर का आता है, तो अगर ये फार्मूला आपको पता है तो आप इस टाइप सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ANW क्या है? N क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, या आप समझिए कि यहां पर क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N इक्वल टू एक्चुअल डेप्थ डिवाइडेड बाई अपीयरेंट डेप्थ, ये होता है फार्मूला, एक्चुअल डेप्थ डिवाइडेड बाई अपीयरेंट डेप्थ। अपीयरेंट डेप्थ हमेशा कम होती है, एक्चुअल डेप्थ ज़्यादा होती है। तो ANW, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू एक्चुअल डेप्थ डिवाइडेड बाई अपीयरेंट डेप्थ। क्लियर? तो आप लोग इस चैप्टर को अच्छे तरीके से लर्न कीजिए, पढ़ते रहिए, अच्छा रिजल्ट ले आइए। आप लोगों से मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का पहली बार बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं और इस बोर्ड एग्जाम में आप अच्छा से अच्छा नंबर आए। थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।